हम अपनी बात थोड़ी ना कर रहे, हम तो खुशी जी की बात कर रहे। क्या? हम सोच रहे थे कि आप उनसे राखी बनवा लीजिएगा। नानी साहिबा, आप भी ना इतना लेट बताती हैं ये सब। अभी अभी ये काम लिए और उसी के सिलसिले में हम बाहर आए हुए हैं। अब आप तो जानती है ना यहाँ कैसे चलता है, सुबह से टेंशन में रहते हैं। और आप चिंता मत कीजिए, आप बस जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। हम रखते हैं। हाय रे नंद किशोर, क्या बात है बबुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं, वो यूं ही। बुआ जी, हम जरा काम से जाकर आते हैं। मनोरमा कहाँ रह गए? अम्मा तैयार तो हो गए रही, आवत ही वही हैं। अच्छी बनी है ना? कुर्बान दिल हो जाए। दी, बहुत अच्छी है। हर खुशी हर गम तुझसे। अंजलि बिटिया छोटे के खातिर हर साल राखी खुद अपने हाथन से बनावते है। बचपन से दोनों व्रत सातमा रखत है और सातमा तोड़त है। उसमें शुगर है? नहीं लावण्या, शुगर फ्री है। लेकिन आज तो चलता है ना? बीसा लड्डू अच्छे बने, आपने बनाए? इस बार लड्डू खुशी जी ने बनाए। रब्बावे रब्बावे हो रब्बावे। हम तो खुशी जी की बात कर रहे हैं, हम सोच रहे थे कि आप उनसे राखी बनवा लीजिएगा। चलना मरना है क्या? ओ बहरे, अबे हट।
कर रहे हैं। हम सोच रहे थे कि आप उनसे राखी बनवा लीजिएगा। मुझे मत मारो। अरे भाई साहब, गलती उसी नहीं, गलती आपकी थी। ये आदमी पागल हो गया है। सॉरी भाई साहब, माफ कर दीजिएगा। ये पैसे रखिए, मरहम पट्टी करा लीजिएगा। सॉरी। पूजा करने की विधि सिखा सकते हैं। और हाँ, छोटे को जो भी खाने में पसंद है हम आपको बता देंगे। उनकी पसंद नापसंद वो भी आप बता दीजिएगा। और हाँ, साड़ी, लावण्या को साड़ी पहनना जरूर सिखा दीजिएगा। दी, मुझे साड़ी पहनना तो आता है ना। रिमेम्बर दैट नो ईटिंग डे, तीज के दिन पहनी थी। लेकिन लावण्या, आप उस दिन बहुत हैरान परेशान लग रही थी ना, इसलिए हाँ, त्योहार, सारे त्योहार के बारे में बता दीजिएगा। और हमारे भगवान, भगवान हमारा कितना काम पड़ा है, इतना कुछ सिखाना है, हमारे पास वक्त ही नहीं है। और ये सब कैसे? आप चिंता मत कीजिए अंजलि जी, हम कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आप बस बताएं कि शादी कब की है। आप बस बताएं कि शादी कब की है। ओ गॉड चमकीली, तुमसे किसने कह दिया कि शादी है? हम समझे नहीं। हमें लगा था कि हम यहाँ इसलिए आए थे ताकि आप इस घर की बहू बन सके। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे क्लियरली कह देती हूँ कि मैं और एएसआर दोनों ही शादी वगैरह वगैरह में बिलीव नहीं करते। तो फिर? फिर मतलब We are living in, मतलब साथ साथ रहते। साथ साथ मतलब शादी ना? Oh God, दी, help me। No शादी, उसे live in कहते हैं। Live in मतलब? तुम्हें live in का मतलब नहीं पता? नहीं। Oh God, मैं समझाती हूँ। Live in का मतलब ये होता है कि जब एक लड़का और लड़की बिना शादी किए, बिना किसी फेरों के साथ साथ रहते, विद नो मंगलसूत्र एंड ऑल। यानी एक ऐसी जोड़ी जो सब कुछ कर सकती है जो एक मैरिड कपल करते हैं। साथ साथ सब कुछ कर सकते हैं, पर वो एक दूसरे के लगते क्या है? बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड और क्या? दी, सच बताऊं, अगर नानी को प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो मैं एएसआर के रूम में ही रहती। एनीवेज, इट्स ओके, आज नहीं तो कल अपने आप हो ही जाएगा। बिना शादी की? मुझे परिवार के साथ Yes, sir. मैंने तुमसे कहा था वो गुप्ता सुशीत की फाइल कल शाम 6 बजे पहुंचानी थी, उसका क्या हुआ?
वो मैं तुम समझ रही हो मैं क्या तुम वो फाइल उस फाइल को शाम तक उनके इनफ शाम तक वहां चल के बात करते हैं अबाउट डिस्टर्बेंस।